of unit first, various part of units first, but right now I will just move ahead and I will discuss the first question of unit first. पहले मैंने आपसे पूरा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया था, पाठ्यक्रम बताया था, पर आज हम उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. पहला क्वेश्चन इज दैट विच इज रिलेटेड विद द व्हाट इज हिस्ट्री. इतिहास क्या है? अगर हम पूछे आपसे इतिहास क्या है तो ये प्रश्न बहुत ही गंभीर हो जाता है. कुछ लोग कहते हैं इतिहास मीन्स प्राचीन बातें, यानी पहले की बातें. तो इज दिस द करेक्ट आंसर? अपने आप से पूछे क्या इतिहास का मतलब यही होता है, पुरानी बातें, अथवा कुछ और इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप भी है. तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसकी डेफिनेशन और व्हाट इज हिस्ट्री, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. ये जो दिया हुआ है आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, और अकॉर्डिंग टू ई एच कार को शायद आप लोग जानते हो थोड़ा सा. ई एच कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आधुनिक इतिहासकार है और आधुनिक इतिहास पर शोध करने वाला आदमी है, इतिहास लिखने की परंपराओं को बताने वाला आदमी है ई एच कार, जिनकी एक किताब भी आती है, कभी पढ़ने का मन हो तो आप ले सकते हो, व्हाट इज हिस्ट्री. मैकमिलन पब्लिकेशन की है ये किताब, लेकिन ये किताब आपके लिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आप लॉ के विद्यार्थी हो, लेकिन ई एच कार को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ई एच कार की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे वैज्ञानिक डेफिनेशन ई एच कार की. तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे लेते हैं कि हिस्ट्री का मतलब. सबसे पहले हिस्ट्री को बताया था आपको, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनान से. It is defined by the Greek writer first. तो यूनान के लोगों ने सबसे पहली बार हिस्ट्री को डिफाइन किया और उसको नाम दिया है हिस्टोरिका. और इस नाम और इसकी व्याख्या का सबसे पहला उल्लेख हेरोडोटस की एक किताब है हिस्टोरिका, उसमें इसका वर्णन है. तो हेरोडोटस एक ऐसा आदमी है जिसने हिस्ट्री शब्द का पहली बार उल्लेख किया. तो हेरोडोटस की हिस्टोरिका एक बुक है जिसमें सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द का उल्लेख आया, और यही इसी कारण हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, विच इज गिवन इन हिज बुक ऑल्सो एंड विच इज डिफाइंड बाई द सो मैनी राइटर्स. तो वो क्या बोलता है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट मीन्स हिस्ट्री इज ओनली स्टडी ऑफ पास्ट सोशल लाइफ ऑफ पास्ट कल्चरल लाइफ ऑफ पास्ट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पास्ट दैट इज नोन एज हिस्ट्री. What happened in past, which is defined in the subject of history. भूतकाल में क्या घटित हुआ, भूतकाल की राजनीति कैसी थी, भूतकाल की संस्कृति कैसी थी, भूतकाल की परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इसी को हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक बुक में लिखता है. इसीलिए इसको हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं. एक इसमें लाइन है, हिस्ट्री इज आर शुड बी एन अटेम्प्ट टू रीथिंक एंड रिपेयर अबाउट द पास्ट. वास्तव में इतिहास जो है हेरोडोटस के अनुसार पुरानी चीजों को बार बार पढ़ना, बार बार समझना, बार बार उस पर विचार व्यक्त करना और बार बार उसको देखना या उसको जानना या उस पर शोध करना, ये भी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है. जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें, जैसे कि अकबर को सबसे पहले अबुल फजल ने लिखा कि अकबर बाबर का पोता था और ये वो सब सारी उसकी राजनीति के दर्शन में अबुल फजल ने लिखा. उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के
बहुत सारे विद्यार्थी लिखते गए अकबर के बारे में, उसी अबुल फजल को पढ़ पढ़ के अपने तरीके से शोध करते गए। आज भी अकबर पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, यानी सबसे पहले लिखा अबुल फजल ने और आज भी अबुल फजल को लोग देखकर अकबरकालीन राजनीति, अकबरकालीन सामाजिक व्यवस्था, अकबरकालीन सारी के सारी संस्कृति का उल्लेख करते जाते हैं। और इस यही से इसका मतलब हो जाता है उसी विषय वस्तु को रीथिंक करना, एक बार उसको बार बार झांक झांक कर देखना। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। दस हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब हम पुराने अबुल फजल की राइटिंग को देखेंगे और आधुनिक युग के लोगों की राइटिंग देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे मिलाएंगे तो हमें आधुनिक व्यवस्था के बारे में भी पता चल जाता है। हिस्ट्री की डेफिनेशन ईएचकार ने दी। ईएचकार बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसने एक हिस्ट्री की डेफिनेशन दी। हिस्ट्री, आप लिखिए इसको, इसमें तो दिया ही हुआ है पर इसको लिख भी लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे, इतिहास वर्तमान और भूत के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। इतिहास वर्तमान और भूत के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है, यानी कभी ना समाप्त होने वाला एक ऐसा डायलॉग है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम और भी देते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ऐसा बोलते हैं, पर उन्हीं गांधी जी के विषय में आज हम फिर और फिर बताते हैं कि गांधी जी ने कब कैसे अंग्रेजों से लड़ाई करी, असहयोग आंदोलन कैसे किया, और फिर गांधी जी ने क्या कहते, किस प्रकार से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करा, किस प्रकार से क्विट इंडिया मूवमेंट किया, गांधी जी कौन से सामाजिक कार्य करते थे, गांधी जी कौन कल्चरल डेवलपमेंट पे काम करते थे, ये सब बातें तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रेजेंट को जानेंगे। यानी गांधी जी की बातें हम 2020 में कर रहे हैं, इसका मतलब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द पास्ट, इट इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, सो दूसरी तरफ अब हम बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ सोशल ग्रुप इन द लाइट of present happenings। आधुनिक प्रकाश में, आधुनिक व्यवस्था में जब हम इतिहास को देखते हैं, आधुनिक प्रकाश में जब हम इतिहास को झांकते हैं, यानी प्राचीन चीजों का वैज्ञानिक वर्णन जब हम आधुनिक व्यवस्था में करते हैं, तब जो निर्माण होता है वही इतिहास है। यानी हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग, जो भूतकाल में घटित हो चुका है उनके रूपों को देखते हैं, उनकी सामाजिक जीवन को देखते हैं और उन सामाजिक जीवन को हम ये भी देखते हैं वर्तमान के प्रकाश में। वर्तमान के प्रकाश में जब देखते हैं तो ये बन जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेहरूस डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो हिस्ट्री को बड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं। वो कहते हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन्स स्ट्रगल थ्रू द एजेस अगेंस्ट नेचर एंड एलिमेंट्स अगेंस्ट वाइल्ड बेस्ट एंड द जंगल एंड सम ऑफ हिज ओन काइंड हु हैव ट्राइड टू कीप हिम डाउन एंड एक्सप्लॉइट हिम फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो कहते हैं कि कैसे कैसे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कितनी बृहत बुक है जिसको नेहरू जी ने जेल में लिखा था, तो वो उन पूरा बताते हैं आदमी कैसे व्यवस्था, कैसे एक आदि मानव से मानव बना और फिर मानव से वो एक सभ्य मानव बना। इसके लिए उसने प्रकृति से संघर्ष किया, प्रकृति से लड़ाई करी,
उस समय की चीजों में अपना स्थान बनाया और धीरे धीरे विकसित होते 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 वो लड़ते लड़ते उनसे आगे बढ़ते बढ़ते अपनी एक